नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब के कमेंट ऑप्शन के बारे में। तो इसको सीखने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कुछ पैराग्राफ इंसर्ट करना होगा। तो इसके लिए हम कमांड टाइप करते हैं इक्वल टू rand लिख करके शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करते हैं और प्रेस करते हैं एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ पैराग्राफ इंसर्ट हो जाएंगे। आप यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट भी रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर कुछ पैराग्राफ को ले रहे हैं कमेंट के ऑप्शन को समझाने के लिए। तो यहाँ पर हम किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, किसी भी वर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ऐसे प्रोफेशनली वर्ड को सिलेक्ट किया और उसके बाद कमेंट ऑप्शन पर क्लिक किया। कमेंट ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ राइट साइड में एक कमेंट का बॉक्स खुल जाएगा और उसके अंदर आप कमेंट टाइप कर सकते हैं, जो भी कमेंट आप इसमें टाइप करना चाहें। यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो भी कमेंट देना चाहें प्रोफेशनली के ऊपर, यहाँ पर आप कमेंट दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं दिस वर्ड इज बोल्ड। इसी तरीके से आप किसी और वर्ड के ऊपर भी कमेंट दे सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट को सिलेक्ट किया और यहाँ पर भी हम वापस से कमेंट का ऑप्शन का यूज़ करते हैं और इसको भी हम यहाँ पर कोई कमेंट टाइप कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर टाइप कर दिया दिस वर्ड इज इटैलिक। तो इस तरीके से हमने फिलहाल यहाँ पर दो कमेंट ले रखे हैं। आप यहाँ पर काफ़ी सारे कमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो एक ही वर्ड के ऊपर और भी आप कमेंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसी वर्ड को सिलेक्ट किया और वापस से कमेंट ऑप्शन पर क्लिक किया तो आप देखेंगे इसी वर्ड के ऊपर हमारा एक और कमेंट यहाँ पर जुड़ गया है। आप इसमें भी कुछ भी टाइप कर सकते हैं। आप देखेंगे इंसर्ट टैब के अंदर सिर्फ आपको कमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें आप किसी भी वर्ड के ऊपर कमेंट लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप कमेंट को डिलीट करना चाहेंगे या कमेंट को में चेंजेस करना चाहेंगे, रिमूव करना चाहेंगे, तो उसके लिए बेसिकली आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा रिव्यू टैब के अंदर। तो रिव्यू टैब के अंदर जैसे ही आप जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक कमेंट का मेन्यू दिखाई देगा जिसके अंदर आपका न्यू कमेंट, डिलीट कमेंट, प्रीवियस और नेक्स्ट और शो कमेंट्स के कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। तो बेसिकली इन सभी ऑप्शन का हम एक एक करके यूज़ सीखेंगे। सबसे पहले न्यू कमेंट की अगर हम बात करें तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि आप इस तरीके से कोई भी कमेंट अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी कमेंट किसी भी वर्ड के ऊपर ऐड कर सकते हैं। अगर आप इस कमेंट को डिलीट करना चाहें तो आप किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करके या किसी भी कमेंट को सिलेक्ट करके यहाँ पर जैसे ही डिलीट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका वो कमेंट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप नया कमेंट ऐड कर सकते हैं और कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन की। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन है नेक्स्ट कमेंट। अभी आप देखेंगे हम अभी फिलहाल पहले वाले कमेंट पर हैं। जैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये हमें दूसरे वाले कमेंट पर जंप करा देगा। इसी तरह से अगर आप प्रीवियस पर क्लिक करेंगे तो ये वापस से आपको पिछले वाले कमेंट पर ले जाएगा। आप चाहें तो उसमें कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट और प्रीवियस का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर शो कमेंट्स का ऑप्शन है, ये बेसिकली अभी हाइड है। तो इसको शो कराने के लिए आपको यहाँ पर जाना होगा ऑल मार्कअप पे और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा सिंपल मार्कअप। जैसे आप सिंपल मार्कअप को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर वो कमेंट का जो ऑप्शन था वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारे जो भी कमेंट्स लगे हुए हैं वो बेसिकली हाइड हो चुके हैं और यहाँ पर कमेंट का एक छोटा सा बॉक्स आपको दिखाई देगा। इस कमेंट बॉक्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तब जा करके आपको ये कमेंट यहाँ पर दिखाई देगा। इसके अलावा जैसे ही आप अपने कर्सर को इस कमेंट वाले आइकन पर लेकर जाएंगे तो आप देखेंगे आपका कमेंट वाला जो वर्ड था वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कमेंट यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे शो करेंगे यानी शो कमेंट पर जैसे क्लिक करेंगे तो वापस से आपके कमेंट्स आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगे। तो इस तरीके से शो और हाइड कमेंट का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको चाहते हैं कि ये कमेंट यहाँ पर दिखाई ना दे तो उसके लिए आपको यहाँ पर जाना होगा शो मार्कअप पर और यहाँ से कमेंट वाले ऑप्शन से टिक यहाँ से हटा देना होगा। अब आप देखेंगे आपके यहाँ पर कहीं भी कमेंट आपको दिखाई नहीं देगा और अगर आप उसे शो कराना चाहते हैं तो आपको वापस से शो मार्कअप पर जाकर यहाँ पे कमेंट्स पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप कमेंट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका वो जो आइकन था वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा और जैसे इस आइकन पर आप अपने कर्सर को लेकर जाएंगे वापस से आपको ये वर्ड दिखाई देने लग जाएगा और उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका कमेंट फिर से शो हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरीके से आप कमेंट वाले ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।